हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी दिन से मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। क्या है ना, इस समय दिवाली का काम चल रहा है, उसी में सब लोग अपने अपने घर पे बिजी हैं, इसी कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन अब से वीडियो बिल्कुल बराबर आती रहेंगी जैसे आती थी। तो चलिए, आज मैं आपको सिखाती हूँ कि मूंग की दाल की मंगौड़ी बनाना। तो मंगौड़ी बनाना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें अपनी मूंग की दाल को रात भर भिगो के रखना है और हमें धुलना है। धुलते समय हमें एक चीज़ का याद रखना कि कभी भी हमें अपनी मूंग की दाल के छिलके होते हैं वो हमें नहीं फेंकना है, वो भी हमें इसके साथ, इस दाल के साथ उसको पीसेंगे। तो चलिए, मैंने इसको पीस के रख लिया है और पीसने के बाद अब हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे वो मैं बताती हूँ। तो चलिए, अब इसके बाद मैं इसमें प्याज के कुछ टुकड़े डालूँगी। तो चलिए जी, देखिए मैंने अपनी प्याज काट के रख ली थी, तो ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में हमें काटना है। इसके बाद मैं अपना स्वाद अनुसार इसमें नमक डालूंगी। जी मैंने लाल मिर्च पाउडर यूज की है क्योंकि क्या है, हरी मिर्च हम बच्चों को नहीं खिला सकते हैं, इसलिए मैंने लाल मिर्च थोड़ा सा डाली है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ये धनिया पाउडर डाला है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये हींग डालूंगी। हींग बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारा स्वाद बिल्कुल बदल जाएगा। और जी मैंने बाद में थोड़ा सा जी अदरक किसके डाली है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको हमें 10 मिनट के लिए रखना है। 10 मिनट रखने के बाद अब हम इसमें ये धनिया पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो इसमें पालक के पत्ते भी डाल सकते हैं, कोई कोई डालता भी है, मैंने इसमें सिर्फ धनिया डाली है। चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑयल को गर्म करना है। चलिए दोस्तों, अब हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, तो अब धीरे धीरे करके हम अपना मंगौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे करके सारी मंगौड़ी अपनी बनानी है। तो ऐसे ऐसे करके हम इसमें डालेंगे, जितने ऑयल में हम डाल सकते हैं एक बार में उतना हमें डालना है। अब इसको हमें चलाना है, इस तरीके से हमें पलटा लेना है। पलटा पलटा के हमें इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है। ये देखिए इस तरीके से, बस थोड़ा सा और अभी सेकेंगे। अब ये मेरी मंगौड़ी है वो पूरी तरीके से सिक चुकी है। तो चलिए इसको मैं सर्व कर रही हूँ टमाटर की चटनी के साथ। आप चाहें तो सॉस, दही या आमचूर की चटनी, जो भी आपको पसंद है उसके साथ खाएं और स्वाद लीजिए और बताइए कि मेरी वीडियो कैसी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए।